राज्यसभा में आज फिर से ट्रिपल तलाक बिल पर बहस होगी। शाम 5 बजे बिल पर चर्चा शुरू होने की उम्मीद है। सरकार आज बिल को पास कराने की कोशिश करेगी। बुधवार को राज्यसभा में बिल पेश तो हुआ, लेकिन कांग्रेस समेत विपक्ष के हंगामे की वजह से कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। अब आज इस बिल को राज्यसभा में पास कराने की सरकार की कोशिश होगी। बीजेपी ने आरोप लगाया कि ट्रिपल तलाक बिल पर कांग्रेस का दोहरा रवैया है। बुधवार को राज्यसभा में सरकार की उम्मीद पर सरकार में शामिल सहयोगी दल तेलुगुदेशम पार्टी ने भी पानी फेर दिया। तेलुगुदेशम पार्टी ने राज्यसभा में सरकार का साथ नहीं दिया। वहीं विपक्ष बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने की मांग पर अड़ा हुआ है। सशक्तिकरण के बारे में बड़े बड़े बात करते हैं, वुमेन्स एम्पावरमेंट के बारे में बोलते हैं, लेकिन उनका कोई नियत नहीं है। तो इसलिए दूसरे हाउस में वो मुस्लिम महिला अधिकार जो बिल है, तलाक की बिद्दत को खारिज करने का, वो उन्होंने अटका करके रखा है कांग्रेस पार्टी ने। हम आग्रह करेंगे वो ऐसा ना करे और इसी सत्र में उसको पारित करें।